है आपकी वर्कशीट नंबर 33। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, चार तारीखें लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, यहाँ लिखा है कंपेयरिंग क्वालिटीज, रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम रेशियो और परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट्स डू इट करके देखते हैं। सेलेक्ट द राइट आंसर, इसमें से हमें सही आंसर को टिक करना है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ आपका पहला लिखा है रेशियो ऑफ 7 रुपीज़ एंड 80 पैसा, 7 रुपये 80 पैसे का रेशियो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये वाला रेशियो सही है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट लिखा है इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4 इज। तो देखिए 6:4 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 और 8। ठीक है, 6 का 6 दुनी 12 और 4 दुनी 8। परसेंटेज ऑफ 0.36, तो इसको हम इंटू 100 करते हैं तो हमारी परसेंटेज बनेगी ये वाली। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ दिया गया है 24 आवर एज अ परसेंटेज ऑफ 4D। अगर हम 24 घंटे की 4 दिन की परसेंटेज निकालेंगे तो आपका ये आंसर सही होगा। देखिए होने को ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें गलती ये है कि यहाँ पे घंटे हैं जबकि यहाँ पे दिन है। ठीक, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर आपका गलत है। ये आंसर सही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने घंटे लिए हैं और यहाँ पे भी हमने घंटे लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आसानी से घंटे में बदल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 25% जो है 84 का। ठीक है, तो 84 का हाफ होता है कितना, 42, और 42 का हाफ होता है 21। ठीक है, तो 25% 84 का क्या हुआ, 21। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है लेट्स मोर प्रैक्टिस, चलिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ जार ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जैम। अगर मिक्स फ्रूट जैम का हम खरीदने जाते हैं तो उसकी ओरिजिनल प्राइस है 90 रुपये। कितने रुपये, 90 रुपये। ठीक है, विच कूपन इज बेटर डील, अब इनमें से कौन सा कूपन है जो बेटर डील कर रहा है। एक कूपन ये है कि एनी आइटम 75% ऑफ, आप कोई भी चीज़ खरीदे आपको 75% ऑफ मिलेगा। एक कूपन ये है जिसमें आपसे कहा गया कि अगर 20 रुपये से ऊपर की चीज़ खरीदते हैं तो आपको 15 रुपये छोड़े जाएंगे। ठीक, अब अगर आप देखें तो अगर आप 90 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उसमें 15 रुपये आपको छोड़ दिए जाते हैं तो वो लगभग आपके 75 रुपये के करीब की पड़ेगी। ठीक, लेकिन वहीं आप अगर 90 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उस पर आपको 75% ऑफ कर दिया जाता है, कितना ऑफ कर दिया जाता है, 75% ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 100 रुपये में अगर आपने 100 की चीज़ खरीदी तो आपको 75 रुपये माइनस करके सिर्फ 25 रुपये पे करने हैं। ठीक, तो अगर वही चीज़ आपने 90 की खरीदी है तो आपको कितने रुपये पे करने हैं, लगभग 20-25 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये पड़ा आपको इस वाले कूपन के साथ पड़ा 20-25 रुपये का और इससे पड़ा आपको 75 रुपये का। तो अब बताइए कौन सा कूपन आपके लिए बेस्ट है, ये वाला, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं 25% 100 मीटर का, तो देखिए 100 मीटर का 25% होगा 25 मीटर। ठीक, तो अब 50 मीटर का हम ऐसा क्या लिखें कि दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50% 50 मीटर का। ठीक है, तो 50% का 50 मीटर कितना होगा, 25 मीटर, दोनों आ गए ना बराबर। इसी तरह से 12% 300 का। ठीक है, तो अब 6% कितना होगा, 6% होगा 600 का, बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से 70% 80 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 140% 40 का कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल आपसे कहा गया है द टेबल शो दैट द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, यानी ये जो आपको टेबल में रिजल्ट शो किए जा रहे हैं ये क्लास 7th के बच्चों के हैं। किस चीज़ के हैं, कि जब इनसे पूछा गया व्हेन दे वर आस्क्ड इफ दे वुड लाइक और मोर मैथ्स प्रैक्टिस सेशन, यानी कि उनसे पूछा गया कि क्या आप मैथ्स के और प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, यानी आप और क्लासेस एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो देखिए इन्होंने लिखा व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज सेड यस, कितने बच्चे ऐसे थे लड़के जिन्होंने यस कहा, तो कितने हैं, 11। ठीक है, उसके बाद बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स सेड यस, अब कितनी ऐसी लड़कियाँ थी जिन्होंने यस कहा, तो आप लिख देंगे 12। ठीक है, इसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है कि ये परसेंटेज में है या नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ। अगर ये लिखते कि इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मैं आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताती। ठीक है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स से यस, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स है, तो आप लिखेंगे 23। ठीक है,
तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन, हु वाज करेक्ट, रोहन और शैली। तो अब रोहन और शैली में, रेहान और शैली में से कौन सा सही है? रेहान ने कहा कि तीसरे का जो आंसर है, यानी थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, द आंसर टू थर्ड शुड बी सम ऑफ द वन एंड टू आंसर, यानी कि पहले और दूसरे का जोड़ है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर था 11, दूसरा आंसर था 12, इसका जोड़ है 23, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं शैली की, तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि द आंसर टू थर्ड शुड बी द हाफ बिटवीन द आंसर वन एंड टू, यानी आंसर वन और टू जो है उसका आधा है, हाफ वे है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तो आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है दिस फिगर आर ट्रायंगल, ये आपको एक फिगर दी गई है जो पजल्स टाइप की होती है, जिसे काट काट के बनाया जाता है। इट्स यूज एज पजल, देखिए यहाँ पे आ गया कि इसे हम पजल के रूप में भी यूज़ करते हैं। इट हैज़ 7 पीसेज, इसके 7 पीसेज हैं, ठीक है, जो भी आप यहाँ पजल देख रहे हैं इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, सब में 7 पीसेज हैं। यू कैन अरेंज पीसेज टू मेक डिफरेंट फिगर, आप इन पीसेस को अरेंज करके अलग अलग प्रकार की फिगर्स बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग आप तस्वीरें बना सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कैन यू क्रिएट मोर फिगर यूजिंग ऑल 7 पार्ट्स, क्या आप इन्हीं इस तरह की 7 पार्ट को यूज़ करके कुछ और तस्वीरें बना सकते हैं, या इफ़ यस, अगर हाँ बना सकते हैं तो आप लोग उसे बना लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है लास्ट में जो मेन क्वेश्चन आपको करना है वो ये लिखा है, राइट द परसेंटेज ऑफ द डार्क ब्लू एंड शेडेड पार्ट इन द फर्स्ट फिगर। अभी आपके फर्स्ट फिगर है, इसमें डार्क ब्लू जो है ना, ये जो शेडेड पार्ट है, इसकी आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, इसका क्या रेशियो बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको ना एक जगह रख के प्लस करना है और इसका एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक। जब आप इस तरह से लिखेंगे, ओके, ये आपने लिखा, अब आपको इसका नीचे वालों का एलसीएम लेना होगा, नीचे का एलसीएम सबका आ जाएगा आपका 8, ठीक। अब 8 इसके टेबल में तो 2 बार में आता है, तो 2 लिखेंगे, बाकी 1 लिखेंगे और बाकी सबको हम प्लस में 1 कर लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 3 और 1 = 4, तो कितना हो जाएगा 4/8, 4/8। तो अभी से आप कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये कितना हो गया, आधा हो गया ना। तो अगर हम बात करें रेशियो में, तो रेशियो आएगा 1:2, और अगर परसेंटेज में बात करें तो ये आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।